प्रदेश अध्यक्ष जो AIIMIM के हैं अख्तरुल इमान, उनको छोड़कर चारों विधायक राजद में शामिल हो गए हैं। बड़ी खबर, खुद गाड़ी चलाकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधानसभा में पहुंचे हैं, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी। बड़ी खबर, राजद के विधायकों की संख्या हुई 80। विधानसभा के चैंबर में तेजस्वी यादव पहुंचे हैं और आपको बता दें कि चार विधायक जो AIIMIM के थे वो अब राजद में शामिल हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ जो AIIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं और विधायक भी हैं अख्तरुल इमान, वो शामिल नहीं हुए हैं। बता दें कि AIIMIM के 5 विधायक थे, खबर हमने दिखाई थी, बातचीत भी हमने की थी अख्तरुल इमान से। उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये खबर गलत है और यदि विधायक ऐसा करेंगे तो इससे ज्यादा गलत कुछ नहीं होगा, लेकिन जो होना था वो हो गया। तो DTV भारत ने पहले ही इस खबर को दिखाया भी था, बताया भी था, अख्तरुल इमान से बातचीत भी की थी, संभावनाओं का सवाल भी पूछा था और उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, यदि ऐसा होता है तो वो गलत होगा। AIIMIM के चारों विधायक राजद में शामिल हो गए हैं। अब राजद के विधायकों की संख्या 80 हो गई है और बीजेपी के विधायकों की संख्या 77 है, JDU की बात कर ले तो 45। तो फिर से बड़ी पार्टी बिहार में बनी राष्ट्रीय जनता दल। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और सबसे बड़ी खबर यह है कि राजद के विधायकों की संख्या 80 हो चुकी है। DTV भारत ने पहले ही इस खबर को दिखाया था, अनुमान लगाया था और बताया भी था कि आखिर क्यों यह आशंका जताई जा रही है, सवाल भी किया था AIIMIM के प्रदेश अध्यक्ष से, लेकिन अख्तरुल इमान ने इस सवाल को खारिज किया था। उन्होंने कहा था कि बातचीत करने की कोशिश की जा रही है और ऐसा यदि AIIMIM के विधायक करते हैं तो वो बेहद गलत होगा। तो 5 में से 4 AIIMIM के विधायक हो गए हैं राजद में शामिल। तो राजद के विधायकों की संख्या पहले थी 76 और अब 4 विधायकों के जुड़ने से संख्या हो गई है 80 और बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है राष्ट्रीय जनता दल। एक बार फिर से की दलितों की और आजादी के उस इलाके को तरक्की से महरूम रखा गया, वहां की एक लड़ाई जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने शुरू किया, उस लड़ाई को इन लोगों ने कमजोर किया है और धोखा दिया है। इन लोगों ने धोखा किया है, बल्कि सीमांचल की वो गरीब और महरूम जनता जो इंसाफ की तलब के लिए MIM का झंडा उठाया था, इनको वोट देकर जिताया था, उस जनता को धोखा दिया है। वो कौन है? वो गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, परदेशी मजदूर हैं, सैलाब से परेशान हाल लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, दवा से महरूम लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनको धोखा दिया है। मैं समझता हूँ मीर जाफरों के साथ साथ ही मैं समझता हूँ कि राजद जैसी पार्टी जो कभी माई समीकरण की बात करती थी, अकलियतों की, विशेषकर मुसलमानों की बड़ी बात करती थी, और आज अकलियतों के दरमियान में पार्टी उठकर आई है, अकलियतों की आबादी से उठकर आई है, अल्पसंख्यक लोग जीत कर आए, अल्पसंख्यक के लोगों ने उस इलाके में अपने समस्याओं के समाधान के लिए इनको वोट दिया है, इनको तोड़ने का काम किया है, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इसको बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कभी माई कहते थे, आज वो A to Z कहते हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त पूरे बिहार में माइनॉरिटी के लोगों की जितनी आस्था जुड़ी है MIM से, उस आस्था को खत्म नहीं कर सकते थे, बल्कि मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं एक टूटा था तो 5 लेकर आया था, आज 4 टूटे हैं तो 24 लेकर MIM आएगी और ऐसे लोगों को भी धूल चटाने का काम करेगी। इससे हमारी पार्टी में कोई घबराहट नहीं है, जाने वाले चले गए, ले जाने वाले लेके चले गए। मीर जाफर का किरदार जिसने अदा किया और जिन लोगों ने अकलियतों का, जिन लोगों ने अकलियतों में गुजरात में गर्दनें काटी हैं, जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद तोड़ी है, अकलियत के लोगों ने ऐसे लोगों को माफ नहीं किया है। मैं समझता हूं कि अकलियत के लोग, अकलियत की उठती भी ताकत को जिन लोगों ने तोड़ा है, उसको भी माफ नहीं करेंगे। आपके विधायकों पर नहीं, मेरे कंट्रोल का मामला ये है, ये पुलिसिया मामला नहीं होता है, कंट्रोल है। उनको इतनी आजादी मिलनी चाहिए, सोच समझ की आजादी मिलनी चाहिए। जो भी बंधन यहाँ पर होता है नैतिक बंधन होता है और नैतिक बंधनों को तोड़ने वाले वो
मैं समझता हूँ कि सबसे बड़े पार्टी होते हैं। आप स्टैंड नहीं ले रहे थे, इस वजह से वो भागे। आप किस चीज का स्टैंड नहीं लिया? हमेशा अखिलेतों का स्टैंड ले लिया, दलितों का स्टैंड ले लिया। और मैं समझता हूँ कि पिछले इजलास जितने सेशन हुए गवाह होगा कि अखिलेतों और पिछलों के जितने मुद्दों को और सीमांचल के जितने मुद्दों को MIM ने मजबूती से उठाया है और तमाम तर विधायकों को जो हिस्सेदार बनाया है, तमाम तर विधायकों को जो बोलने का मौका दिया है, जो परामर्श किया है, दूसरी पार्टियों में गए हैं, हम लोग रहे भी हैं, दूसरी पार्टियों में हैसियत है तलवा चाटने की। MIM है जो मान सम्मान की बात करती है। अगर कुछ लोगों को ऐसा ही मामला है, सीमांचल का विकास क्यों नहीं हुआ? सीमांचल से इसी नेचर के लोग जीत कर आए जो पार्टी का तलवा चाटते रहे और सीमांचल के मुद्दे की लड़ाई नहीं लड़े। MIM ईमानदारी के साथ सीमांचल की लड़ाई लड़ती है और अख्तरुज्जमान खड़ा है। मैं दावा करता हूँ आपको, अरे मुझे कोई किसकी हिम्मत है, मुझे किसकी हिम्मत है? मैं समझता हूँ ऐसी कोई राजनीतिक दल ने जन्म नहीं लिया है जो अख्तरुज्जमान के ईमान का खरीदारी करता है। कहने को कोई लफंगा किसी को अगर इशारा कर दे तो थोड़ी ही है कि ब्याह करना। आप उधर भी नहीं रहे, आप भी तो आपकी पार्टी का हाउस के बाहर स्टैंड वाला क्या स्टैंड अलग नहीं है? सवाल ये पैदा होता है, आप महागठबंधन के साथ भी नहीं रहते थे, यहाँ के पिछड़ों के लिए जो बात हमने की है, सीमांचल के हक और इंसाफ की हमने बात की है, सीमांचल में वो तमाम तर विधायक जिनकी बस्तियां कट रही है, जहाँ सैलाब का कहर है, जहाँ पुल नहीं बना, सड़क नहीं बना, स्कूल नहीं बना, हॉस्पिटल नहीं बना, रोजगार का मौका नहीं आया, वो स्टैंड कोई साथ दिया क्या? उस स्टैंड में MIM सब लोग साथ थे क्या? दूसरी पार्टियां थी क्या? हाँ, जो कॉमन मामला था, अभी मामला आया अग्निपथ का मामला कॉमन इशू है, कॉमन इशू में हमने भी पार्टी का साथ दिया। लेकिन जहां तक सीमांचल के मुद्दे रहे, सीमांचल के मुद्दे में पार्टी कभी पीछे नहीं रही है और मैं समझता हूँ किसी पार्टी ने सीमांचल की इतनी वकालत नहीं की है जितना अल्प अवधि में MIM ने की। अब भाई ये मुंगेरी लाल के सपने हैं। मैं समझता हूँ कि विचारों की लड़ाई लड़ने वाले अवसरवाद की राजनीति नहीं लड़नी चाहिए। अब ये उम्मीद पालते हैं उनसे पूछे, लेकिन मैं जनता की लड़ाई लड़ता हूँ सड़क से सदन तक। सड़क में हमारी लड़ाई और मजबूत होगी, सदन में भले ही हमारी संख्या घटी है, हम सदन के संख्या घटने से नहीं घबरा रहे हैं। मैं समझता हूं कि बिहार की जनता इस हादसे से और रिएक्शन के साथ। आपको महागठबंधन के फोल्डर में रहना चाहिए था, ये महसूस हो रहा जी? महागठबंधन के मुझे किसी के फोल्डर की जरूरत नहीं है। मैं मंत्रालय का ख्वाब भी नहीं देखता और मैं कोई अपनी जाति फायदे के लिए राजनीति भी नहीं करता। मैं तो सीमांचल की लड़ाई लड़ने आया हूँ, बिहार के दबे कुचले अकलियतों की, पिछड़ों की, शोषितों की, वंचितों की आवाज बनकर आया हूं। मुझे खुशी और प्रशंसा इसी में है कि मैं उनकी आवाज बन सकूं। मंत्रालय के भी ऑफर थे मुझको, तो ऐसी चीजों को पांव के ठोकर में रखता है अख्तरुज्जमान और MIM भी रखती है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कभी भी इन चीजों को आड़े आने नहीं दिया, हमें से सच्चाई और हक की बात की है और मैं उसका सिपाही हूं। पूरी तमानाई के साथ, पूरी मजबूती के साथ, इन हादसात से भी, इस तूफान से भी हमारे इरादे और अज़्म का जो दरख्त है वो हिल नहीं सकता। किसको दोषी मान रहे हैं? दोषी दोनों हैं, टूटने वाले भी दोषी हैं। अंदेशा नहीं था कि पहले से वो संपर्क में थे, ये बातें तो बहुत दिनों से अंदेशा करता भी, तो आप क्या समझ रहे हैं? भागने वाली कोई बकरी है जिसको बांध के रखेंगे आप? इंसान तो विचारों से बंधा हुआ रहता है, अगर जिन लोगों ने विचारों का त्याग कर दिया हो उसको बांध के नहीं रखा जा सकता। RJD में जाकर उनको क्या फायदा मिलेगा, क्या लगता है? बिल्कुल साहब को घटनाक्रम से बिल्कुल मैंने यहाँ की खबर दी है और उन्होंने कहा इससे घबराने की जरूरत नहीं है। और जो जिंदा तहरीकें होती हैं, ये इस किस्म के हालात आते रहते हैं और ऐसा होता है सैलाब में खसो खासा बह जाता है और जो मजबूत पहाड़ होता है खड़ा रहता है। महाराष्ट्र के बाद बिहार में भी खेल होगा क्या? अब उस खेल की बात उनको कहिए, वो खेल का जो तमाशा देखकर वो उम्मीद बांधे हुए हैं। महाराष्ट्र में जो हुआ है गलत है और महाराष्ट्र के खेल को जो लोग गलत कह रहे हैं वो भी खुद गलत कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह के लोग वहाँ राजनीति करते रहे जो पार्टियों का तलवा चाटते रहे और ये पार्टियां हमेशा रखेल बनाती रही। इसके माने ये पता चल गया कि सांप्रदायिक शक्तियां अकलियतों को उभरने नहीं देना चाहती हैं और राजद भी मुस्लिम सियासत के खिलाफ दुश्मन बन के खड़ी है। और मैं समझता हूं कि राजद ने भी अच्छा नहीं किया है। मैं समझता हूं कि राजद को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और बिहार की जो अकलियत की आबादी है, बिहार की जो दलित और पिछड़ों की आबादी है, वो कभी माफ नहीं करेगी, इनसे हिसाब लेगी। मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान हैं। आपका चारमीनार ढह गया इस बरसात की पहली बारिश में, क्या कहेंगे? पहला रिएक्शन देखिए, जिनको जाना तो हो गए, उनके जाने का गम नहीं है। और ये सभी लोग वो लोग हैं जिन लोगों को पार्टी टिकट देने नहीं गई थी, वो खुद खसामत करके टिकट लेने आए। उनका जनाधार क्या था वो जनता जानती है। जिन लोगों ने MIM को धोखा दिया है, सिर्फ MIM को धोखा नहीं दिया है, तारीख में तो इन लोगों का नाम मीर जाफरों के साथ लिखा जाएगा ही, लेकिन
सीमांचल की जनता और पूरे बिहार की दलितों और अकलियतों के लिए इंसाफ की आवाज लगाने वाली जनता कभी इनको माफ नहीं करेगी, इसलिए कि आजादी के 75 सालों के अंदर में सीमांचल को इंसाफ नहीं मिला और इंसाफ की लड़ाई की शुरुआत वहां MIM ने की है और उस लड़ाई को इन लोगों ने धोखा दिया है। और MIM के पिछड़ेपन का कारण भी यही है कि इसी तरह के लोग वहां राजनीति करते रहे जो पार्टियों का तलवा चाटते रहे और ये पार्टियां हमेशा रखेल बनाती रहीं। और मैं समझता हूं कि राजद ने भी अच्छा नहीं किया है, मैं समझता हूं कि राजद को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और बिहार की जो अकलियत की आबादी है, बिहार की जो दलित और पिछड़ों की आबादी है, वो कभी माफ नहीं करेगी, इनसे हिसाब लेगी। इसके माने ये पता चल गया कि सांप्रदायिक शक्तियां अकलियतों को उभरने नहीं देना चाहती हैं और राजद भी मुस्लिम सियासत के खिलाफ दुश्मन बन के खड़ी है। सवाल है, आखिरी सवाल है मेरा कि आप लगातार विधायक बनने के बाद सीमांचल के मुद्दे को उठा रहे थे, तब आपके पास 5 विधायक थे, सभी लोग आपको टाइम दे रहे थे, सुनते थे आपकी बात, कई बार आप कामयाब भी हुए, लेकिन अब आप अकेले हो गए हैं, क्या लगता है सीमांचल का काम आप कर पाएंगे? मैं समझता हूँ कि सिर्फ विधानसभा की तादाद की वजह से जनता के मसले हल नहीं होते। बिहार की जनता और विशेषकर सीमांचल की दलित पिछड़ी जनता MIA के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। सड़क से सदन की लड़ाई हमारी मजबूत हुई थी, इन लोगों के धोखे से कमजोर जरूर हुई है, लेकिन जमीनी लड़ाई हमारी और तेज होगी। तो धोखा तो दिया ही है, ये लगते हो लगने वाली बात को कह रहे हैं, अभी कहे आपको कि दिन लगता है क्या, तो दिन है, धोखा दिया है, जनता इंसाफ करेगी, सबसे बड़ी अदालत जनता की। कह रहे हैं घुटन महसूस हो रही थी MIM, घुटन महसूस बुला के तो कोई नहीं लाया था, बल्कि सदन में उसी ने ही पहुंचाया। अगर इज्जत उनको घुटन लग रही है तो जिल्लत में उनको अगर बेहतरी लग रही है तो कौन किसकी उसकी बात करने की क्या। जो कि साफ तौर पर कह रहे हैं कि धोखा जो है वो तेज कदम ने उन्हें दिया है, मुद्दे दर मुद्दे वो साथ थे उनके, मुद्दे दर मुद्दे वो यादव के साथ लेकर भी कई दफा, लेकिन अब जिस तरीके से चारों विधायक को तोड़कर तेजस्वी यादव RJD में ले गए हैं, उन्होंने कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण है सीमांचल का, और साथ ही उन्होंने बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा है कि वो अकेले हैं और अकेले ही रहेंगे और सीमांचल के मुद्दे को सदन से में लगातार उठाते रहेंगे। इस वक्त देखिए बड़ी डेवलपमेंट आज दिन भर की रही, AIM के 5 विधायक बिहार में हैं लेकिन 4 विधायकों ने साथ छोड़ दिया MIM का, वो तेजस्वी यादव की पार्टी में चले गए। उसके बाद हमने आपको अख्तरुल इमाम जो कि MIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका पहला रिएक्शन सुनाया, उन्होंने तेजस्वी यादव को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया, उन्होंने कहा कि उन्होंने तेजस्वी यादव ने अच्छा नहीं किया उनकी पार्टी को तोड़कर। फिलहाल अभी तक लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को बड़ा झटका लगा है, उनकी पार्टी के 5 में से 4 विधायक RJD में शामिल हो गए हैं। AIMIM प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम को छोड़कर बाकी 4 विधायक ने पार्टी छोड़ दी। सभी विधायक बुधवार को RJD नेता तेजस्वी यादव के साथ मिलकर विधानसभा स्पीकर से मिलने पहुंचे। RJD ने बिहार में ओवैसी की पार्टी में बड़ी तोड़फोड़ कर दी है। तेजस्वी यादव बुधवार शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बारे में पूरी जानकारी देंगे। बताते चले कि बीते विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी AIMIM से 5 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, इनमें से 4 विधायकों ने अब पार्टी का दामन छोड़ दिया है। इनमें से शाहनवाज आलम, मोहम्मद अंजार नेमी, मोहम्मद इजहार अस्फी और सैयद रुकमुद्दीन का नाम शामिल है। आगे देखिए AIMIM के दीवानों ने क्या कुछ कहा। Yeah.